अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। वीवर्स, आज मैं आपको सिंपल ट्राउज़र की कटिंग करना बताऊंगी और पांचे में ये वाली ब्लैक लेस अटैच करना बताऊंगी कि कैसे करते हैं। तो इसकी पांचे की जो वीडियो होगी वो नेक्स्ट उसमें आएगी, पहले सिंपल की आएगी। तो चलिए अब कटिंग करना शुरू करते हैं। ये वीवर्स, इसके ऊपर पहले से ही मैंने लाइनें ड्रॉ कर ली हैं, दरमियान में से 6 इंच इधर से, 6 इंच इधर से। इसकी कमर लाइन यहाँ से है 12 इंच, 2 इंच का नेफे के लिए है, और यहाँ से क्रॉच एरिया जो है वो 13 इंच पर है। थाई का यहाँ से ले लेंगे। यानी यहाँ से सीधा सीधा 2 इंच पर, और रिवर्स इसको राउंड शेप देना है। तो इसके टूल की मदद से दें, इससे बहुत अच्छे से शेप आती है इसकी, जिसे आसन में खिंचाव नहीं आता। अब चलते हैं यहाँ पे घुटने की तरफ। तो यहाँ से 4.5 इंच पर घुटना इसका 19 इंच पर है, यहां पर भी 4 इंच पर, और पांचा यहां से 3.5 इंच पर एक साइड से, और यहां से भी 3.5 इंच पर इस शेप पट्टी की मदद से। ड्रॉ करेंगे इस साइड से भी, शेप पट्टी को साथ साथ सेट करते जाएंगे इस तरह से, जिसमें खिंचाव नहीं आएगा, पांचा ऊपर की तरफ नहीं चढ़ेगा। ये फ्रंट का है, ये रंग निशान मैं डार्क कर देती हूँ। यहां से भी ज्यादा गुलाई नहीं देनी, इसमें झोल पड़ता है। और यहां से फ्रंट के लिए थोड़ा सा 1/2 इंच का कम करके लेना है इस तरह से। अब हम इसके फ्रंट की कटिंग करेंगे, उस साइड की रहने देंगे, वो बैक का सेम होगा, और फ्रंट का ये वाला साइड पहले कट कर देंगे। अभी बस इसकी मैं यहां से कटिंग करूंगी। ऊपर के 2 पल्ले उठाने हैं, ये रिवर्स ऊपर वाली साइड की कटिंग करती है। अब इसकी रिवर्स यहाँ से लेंगे, यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ, यानी 1/2 इंच, इससे बैक में खिंचाव नहीं पड़ता। यहाँ से 2 इंच पे लूंगी, यहाँ से भी, ऊपर से भी, और इस स्किल की मदद के साथ इस तरह इसका राउंड बना देंगे। इस तरह से यहां से इक्वल होगा, यहां से ऊपर कोठा का होना चाहिए, बैक की तरफ से ट्राउजर खिंचता नहीं है। यहां से भी 2 इंच,
और पांचे की साइड से 1.5 इंच। अब इन निशानों को सीधा कर देंगे। अब यहाँ वाली और यहाँ वाली इक्वल होगी और पांचे के लिए जो पट्टी मैं यूज करती हूँ अभी मैं आपको, ये रिवर्स मर्दाना बुकरम है, ये 2 इंच की है यहाँ पे और ये थोड़ी सी सख्त होती है, जितना इसका पांचा होगा उतना इसका लेना है दोनों पांचों के लिए। तो अब आते हैं इसकी यहाँ वाली साइड की कटिंग पहले करते हैं। अभी वैसे की यहाँ से कटिंग करेंगे। ये भी वैसे इसलिए कट किया जाता है कि बैठने में इसमें खिंचाव ना पड़े। अभी वह यहाँ साइड की कटिंग करेंगे। रिवर्स इसकी कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये रिवर्स इसकी साइड की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसके पांचे पे कैसे डिज़ाइन करना है वो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। जितना पांचा है उतना इसको ले लेना है इस तरह से। रिवर्स अभी तो बिजली नहीं है तो इसको मैं फिर प्रेस के साथ सेट करके अच्छे से बिठा लूँगी और यहाँ पे 7.5 इंच का जितना हमारा पांचा है उतना हम इसको ले लेंगे। ये रिवर्स 2 इंच का है तो 1 इंच का हम यहाँ पर इसके मिडल में निशान लगा लूँगी और यहाँ से 1/2 इंच का वी कट बना दूँगी इसमें। और यहाँ से भी 7.5 इंच पर इसको कट कर देंगे। हल्की सी प्रेस को इसको लगा के आपस में थोड़ा सा चिपका दें या स्टेपलर भी आप लोग कर सकते हैं क्योंकि ये हार्ड वाली बुकरम है जेंट्स के कपड़ों की तो ये स्लिप होती है। और यहाँ से भी वी को कट कर देंगे। ये वीवर्स कुछ इस तरह से आएगा। वीवर्स इसको फैब्रिक के ऊपर चिपकाने के बाद 2 फैब्रिक साथ में लगेंगे और जो ऊपर की साइड में ये पलटा जाएगा वहाँ पर ये वाली ब्लैक कलर की पाइपिंग अटैच करूँगी इस तरह से। ये वीवर्स कुछ इस तरह से आएगा। इसके यहाँ पे 2 फैब्रिक होंगे और इसके पांचे के साथ अटैच करने के बाद ऊपर की तरफ इसको पलट देंगे। आई होप वीवर्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।